एज का रिटर्न पहले ही हो गया, मतलब कुछ ना बड़ा होने वाला है रॉयल रंबल में। सो वेल ही गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल रंबल के मैच कार्ड एंड उनकी प्रिडिक्शन करेंगे विनर्स की। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो हमारे फर्स्ट रॉयल रंबल मैच की तरफ चलते हैं। वेल जो कि होगा वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि शार्लेट फ्लेयर एंड आस्का जो कि चैंपियन है, उनका मैच होगा शायना बेजलर एंड नाया जैक से। तो नाउ कि इस मैच में तो मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी WWE टाइटल चेंज करना चाहेगी, तो यहाँ पे मेरा जो प्रिडिक्शन रहेगा शार्लेट फ्लेयर एंड आस्का की तरफ से ही रहेगा, क्योंकि शायना बेजलर एंड नाया जैक्स आई थिंक नो चांस यार। इतने दिनों तक उन्होंने चैंपियनशिप रखा था, अब शार्लेट फेयर एंड आस्का भी साथ से चैंपियनशिप रखेंगी। अगर शार्लेट फेयर को अगर कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी देने का मौका न रहा WWE को, तो शायद अभी तक तो मतलब चैंपियन वही बनी रहेंगी। वेल तो नेक्स्ट वन मैच की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन मैच वुमेन्स रॉयल रंबल के बारे में बात करते हैं। तो यार वुमेन्स रॉयल रंबल में मेरे को लगता है कि यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस का चांस हो सकता है, जो कि रॉयल रंबल जीत जाए। तो मेरी वुमेन्स रॉयल रंबल में प्रिडिक्शन यही रहेगी कि जो कि अलेक्सा ब्लिस इस मैच को जीत जाएं। वेल नेक्स्ट वन मैच की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन मैच है जो कि WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए है, रोमन रॉयंस वर्सेस केविन ओवन फॉर द लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, जो कि मतलब लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि रोमन रॉयंस मतलब इतने दिनों से तो केविन ओवन्स को हराते आ रहे थे, बट अब यहाँ पे केविन ओवन्स के पास भी चांस है और यहाँ पे पिन करने वाला कोई अपॉर्चुनिटी तो रहेगा नहीं। यहाँ पे लास्ट मैन स्टैंडिंग, अगर लास्ट में जो खड़ा रहेगा वही चैंपियन बनेगा, तो यहाँ पे चांस केविन ओवन्स के पास भी उतना ही है जितना रोमन रॉयंस के पास भी है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कौन इस मैच को जीतता है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि रोमन रॉयंस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलने वाली है, जो कि जे उसो ऑब्वियसली वो तो करेंगे इंटरफेरेंस, और कोई भी हो सकता है इंटरफेरेंस कर सकता है। तो केविन ओवन्स को यहाँ पे लगता है मुझे चांस उतना नहीं है, बट चांस बन भी सकता है। बट यहाँ पे मेरी जो प्रिडिक्शन होने वाली है वो होने वाली है रोमन रॉयंस की तरफ से, एंड वो अपनी चैंपियनशिप को मुझे लगता है रिटेन कर लेंगे। वेल तो नेक्स्ट वन मैच की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन मैच और कोई नहीं, वो है WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग। ड्रू मैकइंटायर एंड गोल्डबर्ग, यार ड्रू मैकइंटायर और गोल्डबर्ग मतलब इसमें ये करियर किलिंग मैच है, जो कि गोल्डबर्ग एंड ड्रू मैकइंटायर, जो कि ड्रू मैकइंटायर के लिए तो एक करियर किलिंग मैच हो सकता है अगर यहाँ पे गोल्डबर्ग उनको हरा देते हैं तो, क्योंकि यार वो भी मतलब हो सकता है मतलब बहुत ही बेकार हो जाए ड्रू मैकइंटायर के साथ, उनकी बुकिंग वापस से खराब होने लगे। बट नाउ कि अगर यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर गोल्डबर्ग को हरा देते हैं तो इंटरेस्टिंग होगा ड्रू मैकइंटायर के साथ में, क्योंकि गोल्डबर्ग को हराने के बाद तो वो बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। वैसे भी वो बड़े सुपरस्टार ही हैं, बट गोल्डबर्ग के हराने के बाद तो बहुत ही अलग वाली फीलिंग उनके पास होने लगेगी, जो कि ड्रू मैकइंटायर और गोल्डबर्ग के मैच में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि WWE किसे प्रेफर करेगी जिताना। वेल आई थिंक मुझे लगता है कि ड्रू मैकइंटायर को जिता देना चाहिए, नहीं तो गोल्डबर्ग को जिताएंगे तो फैंस पूरे मतलब यार धरने पर बैठ सकते हैं। तो इसीलिए ड्रू मैकइंटायर को जिताना बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा। अगर गोल्डबर्ग को जिता दिए तो फिर WWE जानती है आगे उनके साथ क्या हो सकता है। वेल तो यहाँ पे मेरी प्रिडिक्शन जो होने वाली है वो ड्रू मैकइंटायर की तरफ से होने वाली है। आई थिंक सो कि गोल्डबर्ग को जिताना कोई सेंस बनता है, तो यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर जीतेंगे, जो कि अच्छा हो सकता है उनके करियर के लिए भी। सो वेल नेक्स्ट वन मैच की तरफ चलते हैं, जो कि मेन इवेंट में मुझे लगता हो सकता है वो है मेंस रॉयल रंबल मैच, जो कि आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एंड मेंस रॉयल रंबल में एज तो पहले से ही अनाउंस हो चुके हैं, एंड तो यहाँ पे हमें और भी हो सकता है हमें बड़ा सरप्राइज देखने को मिल जाए। आई थिंक ब्रॉक लेसनर आ जाए, या फिर हो सकता है मे बी CM Punk आ जाए। वो थे वो मतलब यार मैं ये आई कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी थीम सॉन्ग सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होऊंगा अगर ऐसा होता है तो। अगर ऐसा नहीं होता तो आई थिंक कोई बात नहीं चलेगा। तो वेल मेरी जो यहाँ पे मेंस में प्रिडिक्शन होने वाली है वो प्रिडिक्शन होने वाली है वेल जो मेरी यहाँ पे प्रिडिक्शन होने वाली है वो प्रिडिक्शन होने वाली है ब्रॉक लेसनर की तरफ से। या आप लोग जरूर शॉक हो चुके होंगे, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन होने वाली है ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर आएंगे, रिटर्न करेंगे और वो इस रॉयल रंबल को मे बी हो सकता है जीत जाएं। वेल और मेरी सेकंड जो प्रिडिक्शन होने वाली है वो होने वाली है द फिंड की तरफ से, यार बस और कुछ नहीं, द फिंड भी मेरे को चांस लगता है। तो वेल ये तो मेरी रॉयल रंबल की प्रिडिक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो यार लाइक डिसलाइक से सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। एंड सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।